नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वन इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। रविवार को मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आज शाम दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी और एक जबरदस्त मुकाबले की उम्मीद लगाई जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 4 पर बनी हुई है और टीम 4 मुकाबले 7 में से अब तक जीत चुकी है। लखनऊ की टीम चाहेगी कि प्लेइंग 11 में थोड़ा बदलाव करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीत की तरफ बढ़ा जाए। मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस लगातार सभी मुकाबले हारी है, चेन्नई के साथ भी मुकाबला हारी और अपने सभी 7 गेम हार करके पॉइंट टेबल में नंबर 10 पर है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस चाहेगी कि टीम कुछ बदलावों के साथ इस सीजन का अंत एक अच्छे तरीके से करे। वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला होगा। तो पिच की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला, तो उम्मीद होगी यह मुकाबला भी हाई स्कोरिंग हो और चेजिंग यहां पर आसान हो जाती है, तो शायद गेंदबाजी के लिए कप्तान जा सकते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, मनीष पांडे, मार्कस स्टोनिस, दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, जैसन होल्डर, दुष्मंता चमीरा, आविश खान, रवि बिश्नोई के साथ लखनऊ की टीम उतरेगी। तो मुंबई के लिए रोहित शर्मा, ईशान किशन, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, किरण पोलार्ड, डेनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन, रिले मेरेडिथ, जयदेव उनादकट, जसप्रीत बुमराह उतर सकते हैं। बात करें टॉप परफॉर्मर की तो लखनऊ के लिए कप्तान केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक के साथ साथ मार्कस स्टोनिस, आयुष बदोनी और इसके अलावा गेंदबाजी में दुष्मंता चमीरा, आविश खान पर सभी की नज़रें होंगी। मुंबई इंडियंस के लिए डेवाल्ड ब्रेविस क्या कुछ करते हैं, सूर्य कुमार क्या कुछ करते हैं, तिलक वर्मा ने हाफ सेंचुरी पिछले मैच में लगाई है तो उनसे उम्मीद होगी वह भी इस फॉर्म को बरकरार रखें। इसके अलावा युवा खिलाड़ी ऋतिक शौकीन के साथ साथ जसप्रीत बुमराह पर सभी की नज़रें होंगी। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुकाबले के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।